हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्रफी ग्रुप आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश वर्कशीट नंबर एटी नाइन को आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली एक मजेदार सी वर्कशीट हमें मिल गई है फाइनली इस वर्कशीट में हमें दो टास्क दिए गए दोनों ही टास्क हमारे ग्रामर प्रैक्टिस रिलेटेड रहेंगे पहला जो हमें टास्क दिया गया उस टास्क में हमें जंबल सेंटेंसेस दिए गए यानी कि सेंटेंसेस है जिसके कुछ फ्रेजेस हैं वो आगे पीछे है तो उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा अब सेंटेंस क्या होगा जिसका मीनिंग होना चाहिए तो हमें उन जंबल वर्ड्स को जंबल जो फ्रेजेस है उनको ठीक से अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए जिसको हमें समझ में आए कि ये क्या कहना चाहता है ओके okay, उसके बाद सेकंड टास्क दिया गया सेकंड टास्क में हमें कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए कुछ सेंटेंसेस दिए गए और उसमें फिलअप्स है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ताकि वहाँ पर भी मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन पाए चलिए देखते हैं आज के टास्क क्या है लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन दिस इज आ वर्कशीट नंबर एटी नाइन सब्जेक्ट इंग्लिश डेट ट्वेंटी ट्वेंटी इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस की हमारी वर्कशीट रहेगी और अगर सब कुछ शुभ शुभ रहा सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है ये आपकी इस सेशन की लास्ट वर्कशीट हो. हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस ऐसे नहीं है कि होगा हो सकता है चलिए हम देखते हैं पहले टास्क को रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज हमें ये जो वर्ड्स दिए गए फ्रेजेस दिए गए इनको रीअरेंज करना है यानी आगे पीछे दिए गए सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं है हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटर्स मिलियन टंस द एवरी ईयर ऑफ ओशियन प्लास्टिक कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया एवरी ईयर प्लास्टिक ऑफ द एंटर्स नहीं बनी यहां पर सेकेंड है प्लास्टिक एंटर्स द ओशन एवरी ईयर ऑफ मिलियन टन्स यहां पर भी कुछ बात जमी नहीं थर्ड ऑप्शन सी दिया गया मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एंटर्स द ओशन एवरी ईयर हर साल मिलियन टन प्लास्टिक ओशियन में डाला जाता है तो सी हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा ओके मीनिंगफुल सेंटेंस है ना मिलियन टन सो प्लास्टिक एंटर्स द ओशन एवरी ईयर तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी अब देखिए सेकंड जो हमें सेकंड दिया गया सेकंड में भी देखते हैं हमें कितना समझ में आता है तो यहाँ पर जो हमें फ्रेजेस दिए गए वर्ड्स दिए गए द पॉपुलेशन द मिडल क्लास इंक्रीजिंग इज कोस्ट लाइन अलॉन्ग ऑफ कुछ नहीं बन रहा तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेकआउट करते द मिडिल क्लास इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज ऑफ अलॉन्ग कॉस्ट लाइन कुछ समझ में नहीं आया कि मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है इज ऑफ अलॉन्ग कॉस्ट लाइन तो ग्रामेटली भी ये करेक्ट नहीं है ग्रामर के अकॉर्डिंग भी ये करेक्ट नहीं है सेकेंड देखिए द पॉपुलेशन ऑफ द मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग कॉस्ट लाइन कोस्ट लाइन के पास जो मिडिल क्लास है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है मीनिंग बन रहा है ना सेंस बन रहा है यहां पर तो हमारा बी ऑप्शन है यहां पर करेक्ट रहेगा पी ओके okay. उसके बाद थर्ड देखिए थर्ड हमें दिया गया ट्रेश इंक्रीज हैज लेड वेस्ट मैनेजमेंट लैक ऑफ इन टू कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो लैक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हैज लेड टू द इंक्रीज इन ट्रेश ये बिल्कुल करेक्ट है मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा द लैक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हैज लेड टू द इंक्रीज इन ट्रेश कि ये जो कूड़ा जो ट्रेश है वो बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हम प्रोपरली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ए उसके बाद फोर्थ देखिए फोर्थ दिया गया क्लोज लाइक अदर्स हेल्पिंग माई फ्रेंड्स अब फर्स्ट को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है क्लोज अदर्स माई फ्रेंड्स लाइक हेल्पिंग तो ये तो बात यहां पर बिल्कुल नहीं बनी सेकेंड देखिए हेल्पिंग अदर्स माई फ्रेंड्स लाइक क्लोज यहाँ भी कुछ नहीं बना थर्ड देखिए हेल्पिंग अदर्स फ्रेंड्स माई लाइक क्लोज ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माई क्लोज फ्रेंड्स लाइक हेल्पिंग अदर्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं तो ये करेक्ट सेंटेंस है तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा डी ओके okay. तो ये हो गए हमारे ओल फोर सेंटेंसेस एक बार फिर से देखिए कि हमारे आंसर्स क्या रहेंगे जो पहला है उसमें हमारा आंसर रहेगा सी ओके फर्स्ट जो दिया गया उसमें सी रहेगा हमारा आंसर करेक्ट उसके बाद जो सेकंड जो हमें दिया गया उसमें हमारा आंसर था द पॉपुलेशन ऑफ द मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन बी जो हमारा थर्ड था उसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए और जो लास्ट है फोर्थ इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी अब हम सेकेंड टास्क की तरफ पढ़ते हैं हमारा जो सेकेंड टास्क दिया गया एज इट इज देयर रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैक्स बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस दैट फॉलो हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बेस्ड पर जो फिलअप्स है उसके लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए गए उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को हमें चूज करना है ही वॉज डेस एट द न्यूज यहां पर डेस एट द न्यूज दिया गया ही वोज क्या था सरप्राइजिंग सरप्राइज सरप्राइज हैविंग सरप्राइज तो यहां पर ये जो हमें दिया गया ये पेशी फॉर्म में सेंटेंस है ही रहेगा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा ही वो सरप्राइज एट द न्यूज वो न्यूज देख करके हैरान था कौन सी न्यूज ही वो सरप्राइज एट द न्यूज द सक्सेस ऑफ डेज कैंडिडेट हु गोट द हाइस्ट वोट इन द इलेक्शन बिहार इलेक्शन ही वो सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ द सक्सेस न्यूज ऑफ तो यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑफ है न्यूज ऑफ तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस रहेगा करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट यहां पे था हमारा ऑप्शन थर्ड पहला ओके okay, फर्स्ट जो हमारा फिलअप है उसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा और जो सेकंड है यहां पर यहां पे हमारा ऑफ आएगा यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो यहां दोबारा देखिए सेंटेंस को ही वो सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ डेज कैंडिडेट हु गोट द हाइएस्ट वोट इन द बिहार इलेक्शन तो यहां चार ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन अ कैंडिडेट अ कैंडिडेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात की जा रही है एन भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो साउंड नहीं है ओल्ड कैंडिडेट की बात नहीं हो रही ए कैंडिडेट की बात हो रही है पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात हो रही है किसकी बात हो रही है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले तो यहाँ पे द कैंडिडेट होगा ओके तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा तो एक बार फिर से देखिए कि हमारे आंसर्स क्या रहेंगे यहाँ पे फर्स्ट में हमारा थर्ड रहेगा सरप्राइज सेकंड में ऑफ रहेगा और जो थर्ड है उसमें द रहेगा तो हमारे थर्ड और फर्स्ट और थर्ड ये हमारा आंसर्स रहेंगे यहाँ पर तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय बाय ए नाइस डे